हाय एंड वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है बेन सेल्स रिक्रूटर ट्रेनिंग पार्ट 3। यस फ्रेंड्स, ये हमारा बेन सेल्स रिक्रूटर ट्रेनिंग का पार्ट 3 है और इसमें हम बताएंगे टाइप्स ऑफ बेन सेल्स। ओके, सो प्रेजेंट टाइम में बेन सेल्स रिक्रूटमेंट कितने प्रकार का होता है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, देर आर टू टाइप्स ऑफ बेन सेल्स रिक्रूटमेंट। नंबर वन, जेन्यून बेन सेल्स रिक्रूटमेंट। नंबर टू, फेक बेन सेल्स रिक्रूटमेंट। जेन्यून बेन सेल्स रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि आपके पास जेन्यून कंसल्टेंट होते हैं, वैलिड कंसल्टेंट होते हैं, उनका जो वीज़ा होता है वो वैलिड होता है, उनका एक्सपीरियंस वैलिड होता है और उनका एक्सपीरियंस भी वैलिड होता है। ओके, और इंटरव्यू में भी जेन्यून या वैलिड कैंडिडेट ही इंटरव्यू देता है। मान लीजिए कोई भी, अगर आपके पास कोई वेंडर से जॉब आती है, उसमें आप अपने वैलिड कैंडिडेट को या जेन्यून कैंडिडेट को वैलिड एक्सपीरियंस के साथ और वैलिड डॉक्यूमेंटेशन के साथ सबमिट करते हैं, तो ये जेन्यून बेन सेल्स रिक्रूटमेंट होता है। इसमें आप किसी भी तरह की फेक इन्फॉर्मेशन का यूज़ नहीं करते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट से रिलेटेड ना तो छुपाते हैं ना बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं। नंबर टू, बेन सेल्स रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, फेक बेन सेल्स रिक्रूटमेंट। दोस्तों, इसमें क्या होता है, आपका जो कंसल्टेंट होता है उसका वीज़ा कुछ होता है, उसका वीज़ा फोटोशॉप की सहायता से या किसी एप्लीकेशन की सहायता से बनाया जाता है। मान लीजिए आपका कैंडिडेट ओपीटी है, लेकिन उसके वीज़ा को आप जीसी दिखा देंगे या H1 दिखा देंगे और उसका जो कैंडिडेट का जो एक्सपीरियंस है, मान लीजिए कैंडिडेट के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फेक पेंसिल्स रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि उसके एक्सपीरियंस को 10 साल दिखा देंगे, 15 साल दिखा देंगे, उसके डॉक्यूमेंटेशन को बड़ा चढ़ा के दिखाएंगे। तो इस तरह का जो रिक्रूटमेंट होता है ये फेक पेंसिल्स रिक्रूटमेंट होता है। ओके, सो अगर हम दोनों रिक्रूटमेंट की बात करें, एक जेन्यून बेन सेल्स रिक्रूटमेंट और फेक बेन सेल्स रिक्रूटमेंट। जेन्यून तो जेन्यून ही होता है और फेक फेक होता है। ओके, सो कई सारी जो कंपनियां होती है वो पैसों के लालच में या ज़्यादा कमाने के लिए फेक बेन सेल्स रिक्रूटमेंट का यूज़ करती है। उनका सेटअप भी एक कंपनी की तरह होता है, लेकिन उसमें वो कंपनियां बेन सेल्स रिक्रूटर को हायर करती है, लेकिन ये जो कंपनियां होती है ओपीटी कैंडिडेट को हायर करती है, फिर उनके वीज़ा को कुछ और दिखाया जाता है, उनका एक्सपीरियंस बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है और जो भी अवेलेबल जॉब अपॉर्चुनिटी है अकॉर्डिंग टू दैट उनके रेज्यूमे को अपडेट किया जाता है, वो सबमिट किया जाता है। ओके, लेकिन जेन्यून में जो जेन्यून कैंडिडेट होता है उसमें उसका जो वीज़ा जो होता है वही होता है, उसका एक्सपीरियंस भी वही होता है और जो कैंडिडेट का एक्सपीरियंस है इसमें वही एक्सपीरियंस वेंडर्स को शो किया जाता है और कैंडिडेट के रेज्यूमे को शो प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों, जो जेन्यून बेन सेल्स रिक्रूटमेंट होता है उसमें अगर आप किसी कैंडिडेट को